Hey guys, welcome to an academy. Let's crack GATE and ESC. सब लोग लाइव आ जाओ. एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल टू यू ऑल? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स. Please write in the chat box, am I audible or not? Okay, fine. See, here we are going to start the network analysis. Subject is the network analysis. Either you can call it a network theory. See, in this channel, we'll be covering the previous year questions of either GATE or engineering services examination. ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं GATE और EST के गेट एंड ESC. और देखिए, मैं जो क्वेश्चंस कवर करूंगा वो आइदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन. ठीक है, ये तो हुआ गेट के लिए. सिमिलरली इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में इस ब्रांच को आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टैली कम्युनिकेशन. इनके जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे नेटवर्क के, वो हम लोग यहाँ डील करेंगे. डील किस टाइप से करेंगे कि पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराऊंगा लाइव. अगर आप उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं मुझे आंसर, देन आई विल एक्सप्लेन द क्वेश्चंस विद द वेरी फर्स्ट बेसिक्स. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको क्वेश्चन आना चाहिए. इट इज नॉट मैंडेटरी, राइट? बट उसे शुरुआत करने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. सी, गुड आफ्टरनून राज साहनी, गुड आफ्टरनून. ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अनअकैडमी की. देखिए, और जो मेरी क्लासेस हैं, एंड आई एम नितिन त्यागी एंड दिस इज शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ माइन. आई हैव क्वालिफाइड गेट एग्जामिनेशन 6 times एंड आई हैव मेंटर्ड मोर देन 8,000 स्टूडेंट अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया एंड आई हैव टोटल एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4 years इन द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन या गेट एंड SSC. आई हैव कम्प्लीटेड माई मास्टर्स मीन्स MTech इन इंडस्ट्रियल सिस्टम्स एंड ड्राइव, दैट इज द ब्रांच ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स यू कैन से, एंड BTech इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एंड आई हैव ऑल्सो क्वालिफाइड वेरियस PSC एग्जाम. अलॉन्ग विद दिस आई हैव ऑल्सो क्वालिफाइड and secured All India Rank 9 in Delhi Technological University Assistant Professor Exam 2020. This was the short introduction of mine. And now, see, देखिए सबसे पहले यहाँ क्या होने वाला है, मैं आपको बता देता हूँ. मेरी जो YouTube पर फ्री क्लासेस मिलने वाली हैं आपको, YouTube पर मेरी जो क्लासेस होंगी, एक मेरी जो क्लास होगी वो 11 AM पर गेट एंड ESC जिस चैनल पर अभी आप देख रहे हैं क्वेस्ट. ठीक है, गेट एंड ESC क्वेस्ट पर होने वाली है, जो क्लास बिल्कुल फ्री होगी. इसके बाद 3 PM यहां मैं पढ़ाऊंगा नेटवर्क थ्योरी सिर्फ, यानी क्वेश्चंस हम लोग डील करेंगे. और 3 बजे वाली क्लास में मैं मेजरमेंट पढ़ाने वाला हूँ. फाइन, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन. देखिए, यहाँ जो लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं वो या तो इलेक्ट्रिकल के हों या इलेक्ट्रॉनिक्स के हों या इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच के हों. फाइन, लेकिन यहाँ ये जो क्लास है 3 PM वाली, इसमें सिर्फ मैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वाले या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टैली कम्युनिकेशन वाले जो प्रिपरेशन कर रहे हैं इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन की, वो ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, ये मैं आज ही से स्टार्ट करने वाला हूँ. उसके बाद जो स्पेशल क्लासेस होंगी आई विल अनाउंस इन द क्लास इटसेल्फ. ठीक है, देखिए तो यहाँ क्या होने वाला है, आपको YouTube पर कुछ फ्री क्लासेस मिलेंगी. इसके बाद कुछ, एक तो पैटर्न हुआ YouTube क्लासेस का, सेकंड पैटर्न इज आपको
अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर स्पेशल क्लासेस मिलेंगी. ऑफ कोर्स दीज आर एब्सोल्युटली फ्री. ठीक है, ये क्लासेस भी आपको मिलने वाली हैं स्पेशल क्लास. इसके बाद तीसरा प्लेटफॉर्म होता है प्लस सब्सक्रिप्शन. मीन्स आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ेगा. फाइन, तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखिए यूट्यूब की क्लास जो फ्री है वो तो आप यहीं पे चैनल से अटेंड कर सकते हैं. लेकिन अगर मैं बात करूं अनअकैडमी के लर्निंग ऐप की, यानी जो स्पेशल क्लासेस हैं वो आप कैसे अटेंड करेंगे. सी, आपको क्या करना है, अपने प्ले स्टोर में जाना है आइदर. ठीक है, और गुड आफ्टरनून प्रिंस. ठीक है, और प्ले स्टोर में आप जाइएगा, इधर iOS हो या आपके पास एंड्रॉयड हो. उसके बाद क्या करना है आपको, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है वहां से. अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपने डाउनलोड कर लिया है. इसके बाद सी अनअकैडमी लर्निंग ऐप, देखिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप के डाउनलोड करने के जो बेनिफिट्स हैं वो क्या बेनिफिट्स हैं. देखिए यहाँ यूट्यूब पर मे बी आपको फ्री क्लासेस, ऑफ कोर्स यू विल गेट द फ्री क्लासेस, बट मे बी ऐसा हो कि एक स्ट्रक्चर वे में आपको फ्री क्लासेस ना मिल पाए. तो अगर मैं बात करूँ अनअकैडमी के लर्निंग ऐप की, तो इससे आपको सब्सक्रिप्शन क्यों परचेज करना चाहिए, इसके कुछ बेनिफिट मैं आपको बता देता हूँ. सी मिलने क्या, वट विल गेट, यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस. ऑफ कोर्स यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस राइट हेयर इन द यूट्यूब ओनली. बट इन द डेली लाइव क्लासेस देखिए, और इसमें क्या होगा, जैसे कि सपोज आपको मैंने एक कोई यूट्यूब का लेक्चर दे दिया डाउनलोडेड, फाइन, या आपको कोई मैंने डाउनलोडेड लेक्चर प्रोवाइड करा दिया, सब्जेक्ट मान लीजिए नेटवर्क एनालिसिस का ही. ठीक है, तो होने क्या वाला है, आपने वो 1 आवर उसकी ड्यूरेशन थी, वो आपने लेक्चर देखा, लेकिन कहीं इन बिटवीन लाइक एट अराउंड 28 मिनट आपको समझ में आना बंद हुआ. फाइन, कैसे बंद हुआ, सपोज क्योंकि जो आगे की चीजें थी वो कॉन्सेप्चुअल थी और उस कॉन्सेप्ट में आपने कुछ मिस कर दिया, कुछ ऐसी चीज थी जो आपको नहीं समझ में आई, तो आप क्या करेंगे, आप वहीं पे वीडियो को स्टॉप कर देंगे, आगे कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे. क्यों नहीं कर पाएंगे, बिकॉज सी क्योंकि आपने पहले का आपको समझ में नहीं आया है. लेकिन वही चीज अगर आप लाइव क्लासेस लेते हैं, जैसे मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ नेटवर्क का क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, उसके बाद अगर ऐसा हुआ कोई क्वेश्चन आपको सपोज नहीं समझ में आता, फाइन, तो आप चैट बॉक्स में मुझे लाइव चैट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग उसको यहीं पे डाउट को रिजोल्व कर देंगे, हम लोग उस डाउट को यहीं पे रिजोल्व कर देंगे. तो ये बेनिफिट हुआ. सेकंड इज लाइव टेस्ट एंड क्विज. सी आप कितना भी प्रिपरेशन कर लीजिए, अगर आपने क्विज नहीं दिए हैं या आपने आपको इवेल्युएट नहीं किया है, ठीक है, इवेल्युएट नहीं किया है, तो आपकी प्रिपरेशन का कोई फायदा नहीं है. ठीक है, तो इसलिए यहाँ आपको क्या मिलता है, लाइव टेस्ट और क्विज के साथ अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं. फाइन, ओके, गुड आफ्टरनून सर, काफी टाइम बाद आप अटेंड की. ओके गोपाला, फाइन, वी आर अबाउट टू स्टार्ट. सी एंड यू विल गेट द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज आपको मिलेंगे, जैसा कि मैंने बताया, एंड अनलिमिटेड एक्सेस. सी अनलिमिटेड एक्सेस की अगर मैं बात करूं, अगर इन केस आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, ठीक है, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज कर लीजिए. उसके बाद सपोज आप 9 to 5 आपने ऑनलाइन या लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाए, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके बाद आप घर जाकर भी उसको देख सकते हैं. ठीक है, ये बेनिफिट हुआ. नेक्स्ट, सी द अदर एडवांटेज ऑफ इज दैट यू कैन लर्न विद द टॉप एजुकेटर्स. ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, सी अगर सपोज आपको, देखिए एक प्रॉब्लम होती है कई बार, हर एक स्टूडेंट एक अलग फैकल्टी को प्रेफर करता है, जैसे कुछ मान लीजिए कोई एक्स फैकल्टी है, उससे मान लीजिए कोई वाई और जेड स्टूडेंट सेटिस्फाइड है, फाइन, लेकिन कोई एक या ए स्टूडेंट मान लीजिए जो इन वाई और जेड फैकल्टी से सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो, लेकिन ऐसा नहीं है कि फैकल्टी का कोई इशू है,
होता क्या है, कई बार स्टूडेंट को कुछ फैकल्टी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो इसलिए यहाँ आपके पास चॉइस है। जैसे अगर मैं बात करूँ, आपने सब्सक्रिप्शन खरीद लिया, तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ नेटवर्क मुझसे ही पढ़ेंगे, आप इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि अंकित गोयल सर को आप जानते हैं, उनसे भी आप पढ़ सकते हैं। मीन्स यहाँ फाउंडेशन नहीं है। सी, अगर आप किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में जाते हैं, वहां आपको बोल दिया गया कि आप इन्हीं फैकल्टी से पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप जिस फैकल्टी से आपका मन करे उस फैकल्टी से पढ़ सकते हैं। दीज आर सम फैकल्टीज। सी, उसके बाद देखिए आपको क्या करना है। मैंने क्या बताया आपको, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लेना है प्ले स्टोर से, उसके बाद उसमें साइन अप करना है। साइन अप, और देखिए साइन अप करने के लिए आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी, एक वर्किंग ईमेल आईडी, फाइन, एक वर्किंग ईमेल आईडी, एंड दी अदर वन इज दी वर्किंग मोबाइल नंबर, फाइन। ये दो चीजें अगर आपके पास हैं आप साइन अप कर सकते हैं, ठीक है, आप वहां पे साइन अप कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है आपको, सी, आप एसएससी जेई के लिए पढ़ना चाहते हैं या आप गेट या एएससी, तो मीन्स आपको अपना गोल चूज करना है, ठीक है, गोल सेलेक्ट कर लेना है आपको अपना। गोल के बाद सपोज आपने गेट कर लिया, उसके बाद आप अपनी ब्रांच, ठीक है, उसके बाद आप अपनी ब्रांच सेलेक्ट कर लीजिए। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा, ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि इसमें क्या क्या कोर्सेज हमारे पास हैं। जैसे सपोज आपने ईसीई चूज किया, तो उसमें 10 कोर्सेज हैं, पर्टिकुलर सीएस एंड आईटी में 10 कोर्सेज हैं, लाइक दिस, है ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टोटल 18 कोर्स। इस टाइप से आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या क्या अवेलेबिलिटीज हैं। फाइन, अगर मैं बात करूं सब्सक्रिप्शन की, देखिए अगर मैं बात करूं सब्सक्रिप्शन की, तो इन केस अगर आपको सब्सक्रिप्शन परचेज करना है 1 मंथ, देखिए 1 मंथ की मैं बता देता हूँ। कई बार ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट ना रिपीटर होते हैं, है ना, रिपीटर स्टूडेंट्स होते हैं, तो रिपीटर स्टूडेंट चाहते हैं कि सपोज लास्ट ईयर उनका मशीन और एनालॉग या पावर सिस्टम कोई दो सब्जेक्ट प्रिपेयर ना होने की वजह से उनकी रैंक गेट में अच्छी नहीं आई, ठीक है, वो क्या चाहेंगे कि 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन परचेज कर लें, ठीक है, वो ऑफ कोर्स कर सकते हैं परचेज। बट सी, मैं आपको बता दूं, यहाँ आप जितनी मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए, ये मैं पर्सनल आपको बता देता हूँ, पर्सनली मैक्सिमम ड्यूरेशन के लिए परचेज करेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। सी, अगर आप 5,000 पर मंथ देते हैं, आप 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दिस विल कम आउट टू बी अराउंड 60,000, है ना। सेम आप यहाँ पे देखिए 12 मंथ का यानी 1 ईयर का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना है, 25,000, ठीक है, दैट इज ऑफ कोर्स मच लेस देन दी 60,000। उसके बाद आपने चूज कर लिया था, गोल आपका सेलेक्ट किया, उसके बाद आप यहां तक पहुंच गए, देन आपको एक ऑप्शन दिखेगा ये वाला, फाइन, यहां अगर आप मेरा कोड लिखते हैं लाइक सी नितिन वाइटी, आप ये मेरा प्रोमो कोड वहां अप्लाई कीजिए, यू विल गेट एक्स्ट्रा 10% ऑफ, इंस्टेंट 10% ऑफ, है ना। जैसे 25,000 का था, आपने मेरा कोड अप्लाई किया, आपका जो कोर्स पड़ेगा वो कितने का, 22,500 ओनली। अगर देखिए मैं इसका ब्रेकअप दिखाऊं आपको, 22,500 आप पूरे साल में इसको 365 डेज से डिवाइड कर लीजिए, दिस विल कम आउट टू बी अराउंड 60 रुपीज अ डे, ठीक है, 60 रुपीज अ डे, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं है, क्योंकि इसमें आपको क्या मिल जाता है कि आप किसी भी फैकल्टी से आप पढ़ सकते हैं, लाइक विच पॉल अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सी, अदरवाइज यू कैन परचेज फॉर दी 24 मंथ। ये मैं सजेस्ट करूंगा जो भी स्टूडेंट थर्ड ईयर में है, फाइन, कोई भी स्टूडेंट जो थर्ड ईयर में है वो इसको परचेज कर सकता है। 30,000 है मेरा कोड, आप अप्लाई कीजिए एंड यू विल गेट इंस्टेंट 10% डिस्काउंट, फाइन। दिस वाज द ब्रेकअप एंड नाउ वी विल स्टार्ट द नेटवर्क थ्योरी, फाइन, नेटवर्क थ्योरी। एंड मैंने आपको जैसा कि पहले बताया कि विल बी डीलिंग विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और प्रीवियस ईयर में मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, क्योंकि वहां मार्क नहीं करूंगा, ना ईयर मार्क करूंगा, ना ही कुछ जैसे कि पर्टिकुलर एग्जाम मार्क करूंगा, फाइन। सी, लाइक गेट ईएससी, ठीक है, गेट और ईएससी के हम लोग क्वेश्चन प्रीवियस ईयर कवर करेंगे। इसमें ब्रांच मैं आपको बता देता हूँ,
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन, तीनों ब्रांचेस के में क्वेश्चन जो भी मैक्सिमम पॉसिबल या कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक टाइप का एक क्वेश्चन होगा, हर क्वेश्चन कवर करेंगे। और इसको देखिए बेनिफिट जो हो सकता है, जैसे सपोज अगर मैं गेट की ही बात करूँ, फाइन, अगर मैं गेट की बात करूँ तो गेट में क्या होता है कि अभी टाइम आने वाला है, फैब में एग्जाम है। गेट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस, गेट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। स्पेशली अगर मैं नेटवर्क थ्योरी की बात करूं तो नेटवर्क थ्योरी में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा कि आप थ्योरी पढ़ के जाएं और वहां सेलेक्ट कर दें आंसर, ऐसा इम्पॉसिबल है। फाइन, सी नाउ मैं सिलेबस जो बात कर रहा हूँ, सिलेबस इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का सिलेबस ले लेते हैं 2021 मीन्स प्रीलिम्स की अगर मैं बात कर लूँ, ठीक है, या आप गेट की बात कर लें क्योंकि जो मोस्ट ऑफ दी सिलेबस है वो सेम ही है, ठीक है। सबसे पहले सर्किट एलिमेंट्स लाइक आर एल एंड सी, आर एल सी सर्किट एलिमेंट्स, नेटवर्क ग्राफ, ठीक है, नेटवर्क ग्राफ, के सी एल के वी एल, नॉड एंड मैश एनालिसिस, आइडियल करंट एंड दी वोल्टेज, मीन्स इट इज ही इज टॉकिंग अबाउट दी एनर्जी सोर्सेज, एंड थेवेनिन थ्योरम। सी थेवेनिन नॉर्टन सुपरपोजिशन एंड एमपीटी मीन्स मैक्सिमम पावर, लेकिन मैं जितनी भी थ्योरम्स होंगी मैं वी विल कवर दी ऑल ऑफ दी थ्योरम्स, ठीक है, पावर ट्रांसफर थ्योरम। नेक्स्ट इज ट्रांजिएंट रेस्पॉन्स ऑफ डीसी एंड एसी नेटवर्क, मीन्स ट्रांजिएंट एनालिसिस की बात कर रहा है, पहले डीसी ट्रांजिएंट एंड देन एसी ट्रांजिएंट। साइनोसोइडल स्टडी स्टेट एनालिसिस की हम लोग बात करेंगे एंड द बेसिक फिल्टर कॉन्सेप्ट। यहाँ से देखिए हर जगह क्वेश्चन आते हैं, चाहे ईएससी हो या गेट हो। उसके बाद टू पोर्ट नेटवर्क्स एंड थ्री फेज सर्किट्स, मैग्नेटिकली कपल्ड सर्किट। देखिए अगर मैं बात करूँ थ्री फेज सर्किट्स की, ये आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन वालों के लिए नहीं है, ठीक है, इसको आप छोड़ सकते हैं अगर चाहें, लेकिन अगर आप ईएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं तो ऑफकोर्स नो इशू, यू कैन कवर, फाइन, ठीक है। सी द टारगेट ऑडियंस मींस ये कोर्स किन के लिए बेनिफिशियल है। सबसे पहले जो ईएससी एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, ईएससी एस्पिरेंट्स हैं, ब्रांच में पहले से कई बार बोल चुका हूँ, डबल ई सी एंड ई एन टी। उसके बाद जो गेट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए ये कोर्स बेनिफिशियल है, फाइन, डबल ई ई सी और इंस्ट्रूमेंटेशन। And those who are preparing for PSU exam, है ना, AE का exam, देखिए चाहे मैं अगर JEE भी कर दूँ तो कोई issue नहीं है, क्योंकि मैं जो start करने वाला हूँ बहुत ही basic से और एक structure way में start करूँगा। आप खुद ही अभी देखने वाले होंगे कि मैं किस type से questions select करके लाया हूँ, ठीक है, AE या JEE for various public sector undertaking, fine। Now नेटवर्क थ्योरी इज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपको पता है नेटवर्क थ्योरी। देखिए सबसे पहले तो ये बेसिक है, यानी अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं तो आप नेटवर्क से ही स्टार्ट करें, नेटवर्क से स्टार्ट करेंगे बिकॉज इट इज द प्री रिक्विजिट फॉर वेरियस सब्जेक्ट, जैसे कि पावर सिस्टम, ईडीसी, एनालॉग, कुछ भी पढ़ें उनके लिए प्री रिक्विजिट है। अगर आपको नेटवर्क नहीं आता तो आप भूल जाइए कि किसी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर भी पाएंगे, क्योंकि कहीं भी फंस सकते हैं आप, कोई भी चैप्टर आप आगे उस चैप्टर में बढ़ ही नहीं पाएंगे जब तक आपको नेटवर्क के बेसिक क्लियर नहीं है, फाइन। सी एंड द मोस्ट ऑफ द एग्जाम कंप्राइजेस 15-20% एमसीक्यूज, है ना, यानी 20% तक जो वेटेज है वो सिर्फ नेटवर्क से ही आपको मिल जाएगा। कमेंट लाइव चैट में, कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए, एम आई ऑडिबल, कोई इश्यू हो, नॉइस और एनीथिंग, कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे, इज देयर एनी इश्यू लाइक नॉइस और समथिंग। ठीक है, बताएंगे कमेंट सेक्शन में। No response. Fine. See. Reference books. देखिए बहुत सारे स्टूडेंट क्या बात करते हैं, बुक्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है,
बुक्स के बारे में बात करने लगते हैं कि सर आप सबसे पहले उनको बुक्स बता दें। देखिए वैसे तो मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी की आप फ्री क्लासेस लीजिए जो यूट्यूब पर होने वाली हैं, ठीक है, यूट्यूब क्लासेस लीजिए। उसके बाद आप स्पेशल क्लासेस भी अटेंड करें, उसके बाद आप प्लस सब्सक्रिप्शन। आपको किसी बुक्स की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको यहाँ क्विज हुआ और टेस्ट सीरीज हुई, टेस्ट सीरीज इतना कुछ मटेरियल मिलने वाला है, क्लासेस की पीडीएफ मिलेंगे, आपको किसी बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो फैकल्टीज होती हैं, हम लोग होते हैं, वो भी कहाँ से कंटेंट तैयार करते हैं, ऑफ कोर्स फ्रॉम दीज स्टैंडर्ड बुक्स। तो अगर आप फिर भी चाहें तो फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट अलेक्जेंडर सैडी क्यू खरीद सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर मैं आपको बता दूं आप पहली बार सर्किट थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आप सैडी क्यू की जगह ए चक्रवर्ती प्रीफर करें, है ना, इसको प्रीफर करें। अगर आप की स्टार्टिंग है, आप पहली बार नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद नेटवर्क एनालिसिस बाय एमी वैन वल्कनबर्ग, ये भी आप परचेज कर सकते हैं। ये दोनों फॉरेन ऑथर्स की स्टैंडर्ड बुक्स है ना। अगर आप फिर भी चाहें, मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूं, दिस बुक इज बेटर, ए चक्रवर्ती। फाइन, कमेंट सेक्शन गोपाला, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, मीन्स कोई नॉइस नहीं है, ओके, लेट्स स्टार्ट। सी, देखिए मैंने बताया था जैसा कि आपको मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, और यहाँ सिर्फ एज दी चैनल नेम सजेस्ट गेट एंड एससी क्वेस्ट है ना, क्वेस्ट मीन्स क्वेश्चंस हम लोग सिर्फ यहाँ पर करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर करने का पैटर्न कैसा होगा, देखिए या तो आप मुझे कुछ सजेस्ट करें कि आपको किस टाइप से, जैसे कुछ क्वेश्चन मैंने ये दिया, आप चाहते हैं प्री एक्सप्लेनेशन या पहले आंसर देंगे उसके बाद मैं आपको कुछ सजेस्ट करूं कि क्या हो सकता था, ठीक है, क्या पॉसिबल वे हो सकता था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जैसा कि आप बोलें। अदरवाइज क्वेश्चन आपके सामने है, स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल बेसिक। सबसे पहले रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी से, वोल्टेज करंट ये सब मैं डिस्कस नहीं करने वाला हूँ क्योंकि यहाँ क्वेश्चन अगर करंट के डेफिनेशन की बात करूँ तो सिर्फ एसएससी जेई वगैरह में आते हैं, ईएससी और गेट में नहीं आते, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, क्वेश्चन सभी लोग देख रहे होंगे, वायर हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम। फाइन, कोई वायर है आपके पास, मैं बना देता हूँ, आपके पास सपोज कोई वायर है ये, ठीक है, यानी वायर की बात हो रही है, सिलेंड्रिकल वायर, और जो इसका रेजिस्टेंस है वो कितना है, 10 ओम। रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर इज 10 ओम। इट इज स्ट्रेच बाई 1/10 ऑफ दी ओरिजिनल लेंथ। सी, इट इज स्ट्रेच बाई, यानी इसको खींचा गया। कई लोग गलत कंफ्यूजन में ना आ जाएं कि ये 1/10 उसको कट कर लिया गया है ना, उसकी लेंथ 1/10 नहीं है, उसको स्ट्रेच किया है उसके 1/10 पार्ट का। तो बताओ न्यू रेजिस्टेंस कितना होने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर दे जल्दी जल्दी बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज आई विल सॉल्व इट बाई माई सेल्फ। बताएं कोई तो आंसर दे इसका जल्दी, प्रिंस राज, मिस्टर गोपाला, एनीवन। सी, दीज क्वेश्चंस आर वेरी बेसिक क्वेश्चन मैन, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, यहां से शुरुआत करूंगा और देखना किस लेवल तक आपको लेके जाऊंगा, ठीक है, शुरुआत यहीं से करूंगा, उसके बाद हर लेवल का क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। सी, ठीक है, कोई नहीं, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। देखिए सबसे पहले ये बेसिक फॉर्मूला 9th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, रेजिस्टेंस इज नथिंग बट रो एल अपॉन ए, है ना, रेजिस्टेंस इज रो एल अपॉन ए, जिसमें जो लेंथ होती है, दिस लेंथ इज एल। फाइन, ये लेंथ एल होगी और जो रो है वो रो होती है रेजिस्टिविटी, एंड दिस ए इज द एरिया, बट कौन से एरिया, ये दिस वन इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया। फाइन, क्रॉस सेक्शनल एरिया की हम लोग बात कर रहे हैं, फॉर्मूला आपके सामने है, अब तो आंसर आना चाहिए। 112.1 ओम, ये कौन है, ड्रीम गेट, प्लीज अपना नाम प्रॉपर वे में लिखे हैं जिससे मुझे पता रहे, ड्रीम गेट। हाँ जी, आप अपना नाम बता दें मुझे जिससे मैं यहाँ आंसर अनाउंस कर सकूं कि आप ड्रीम गेट। आंसर ऑफ कोर्स, योर आंसर इज परफेक्ट,
बिल्कुल सही आंसर है आपका। और कोई? ठीक है, आप मुझे एक बार अपना नाम प्रॉपर नाम के साथ आएंगे लाइव लेक्चर में, दिस वुड बी बेटर। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है आपका, सी। तो हम लोग देख लेते हैं सी, उसने क्या बोला, वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, मीन्स 10 ओम रेजिस्टेंस के बाद होने क्या वाला है। उसने बोला उसको 1/10 स्ट्रेच किया। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर कोई भी वायर सिलेंड्रिकल वायर को अगर आप यूनिफॉर्मली स्ट्रेच करते हैं, है ना, यूनिफॉर्मली स्ट्रेच करते हैं, जो नया रेजिस्टेंस होता है ना, सपोज आपने यूनिफॉर्मली स्ट्रेच किया उसको एन टाइम्स, कितना किया, एन टाइम्स, तो जो उसका रेजिस्टेंस होगा वो एन स्क्वायर टाइम्स होगा ओल्ड रेजिस्टेंस का। सबसे पहले तो आप इसको याद रखें, देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन है, कई बार इंटरव्यू में पूछ लेते हैं। ठीक है, आप जाओगे गेट करके पीएसयू के इंटरव्यू में जाओगे, आप यहाँ पे फंस सकते हो, और ये ऐसा नहीं है कि मैं कोई आपसे झूठ बोल रहा हूँ, बिल्कुल बहुत सारे लोग यहाँ पे फंसते हैं, इसीलिए मैं शुरुआत हमेशा यहीं से किया करता हूँ कि सी एन स्क्वायर इंटू आर ओल्ड। देखिए ऐसा क्यों, क्योंकि आप इसको समझिए, अगर आपको ये पेन दिख रहा होगा सी, अगर आप इसको स्ट्रेच करेंगे, सपोज आपको स्ट्रेच करेंगे, इसको खींचेंगे, देखिए इसको खींचेंगे तो इसकी लेंथ तो इंक्रीज होगी। देखिए ये वाला जो एरिया है फ्रंट वाला, देखिए है ना, ये जो एरिया है ये कम होगा, किस प्रपोर्शन में कम होगा, जिस प्रपोर्शन में आप लेंथ को स्ट्रेच करेंगे, सी हियर। तो अगर मान लीजिए आर न्यू या आर डैश की मैं बात करूं, रो एल आपने कितने टाइम्स स्ट्रेच किया, एन टाइम्स, तो एरिया मैंने क्या बताया, उसी प्रोपोर्शन में कम हो जाएगा, तो जो रेजिस्टेंस आएगा वो एन स्क्वायर टाइम्स रो एल अपॉन ए मीन्स आर ओल्ड। चाहे तो ऐसे निकाल सकते हैं, चाहे तो आप देखिए एक चीज आप ध्यान रखिए, दूसरा कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं कि इसका वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रहेगा। सी अगर ये कोई वायर समझिए इसको, अगर मैं इसको कितना भी स्ट्रेच कर लूं, क्या इसका वॉल्यूम बदलेगा, मीन्स आप वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ, पहले कितना था और न्यू एरिया और लेंथ कितना हो गए। तो यहीं से आपको सी एरिया, मान लीजिए पहले ए था, लेंथ एल थी, ए डैश मुझे पता नहीं है, और नया लेंथ कितना कर दिया उसको, एन टाइम्स कर दिया है, तो दी न्यू एरिया विल बी कितना हो जाएगा, ए बाई एन, है ना। तो यही चीज मैं आपको बता रहा हूं, बट आप डायरेक्टली आज के बाद याद रखेंगे। देखिए कुछ बेसिक क्वेश्चन, अगर आपको ये बोला कि कोई एक रेजिस्टेंस वायर है जिसका रेजिस्टेंस 5 ओम है ना, उसको स्ट्रेच कर लिया गया है 2 टाइम्स, है ना, तो बताओ न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आपको सीधा सीधा देखना है कितना स्ट्रेच किया, उसका स्क्वायर करना है ओल्ड वाले से मल्टीप्लाई करना है ना, ये 20 ओम, लाइक दिस। कुछ लोग इसका आंसर डायरेक्टली देते हैं अकॉर्डिंग टू दी लेंथ सी। अब मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन को देख लीजिए, ये वायर था, ये वायर था, ये वायर है, इसकी लेंथ मैं सपोज करके चलता हूं एल लेंथ थी, ठीक है, और इसका रेजिस्टेंस था, और किसी का आंसर आया 12.1, मिस्टर गोपाला बी, फाइन गोपाला आपका आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, मीन्स यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर द गेट एज वेल एज द अदर पीएससीयू एग्जाम्स, गुड। सी उसने बोला उसको स्ट्रेच किया, तो देखिए एल का 1/10 कितना होगा, बहुत ही माइनर, लाइक दिस, सपोज इसको आप मान लीजिए ये कितना स्ट्रेच किया उसको, एल बाई 10th, फाइन एल बाई 10th। तो अब आप मुझे ये बताएं, जो टोटल लेंथ है एल डैश वो कितनी हुई, विल बी एल प्लस एल बाई 10th, ठीक है, इसको आप सोल्व करिए, दिस विल कम आउट टू बी 1.1 टाइम्स ऑफ। मैंने आपको क्या बताया अभी कि एल डैश अगर एन टाइम्स ऑफ एल होगी तो आपको एन की वैल्यू याद रखनी है, एन की वैल्यू को पकड़ के चलना है, कितनी आई एन की वैल्यू, 1.1, तो बताओ रेजिस्टेंस कितना होगा, आर न्यू इट वुड बी 1.1 स्क्वायर इनटू ओल्ड रेजिस्टेंस कितना था, जाके देखिए सी ओल्ड रेजिस्टेंस इज 10 ओम ओनली ना, फाइन 10 ओम मीन्स 1.1 स्क्वायर इंटू 10, 1.1 इंटू दिस विल कम आउट टू बी 12.1 एंड दैट इज दी आंसर, फाइन दैट इज दी आंसर सर, माइन आल्सो। हाँ ये ड्रीम गेट ना आपका बिल्कुल सही है आंसर, बट ये जो भी है ड्रीम गेट, प्लीज आप अपना नाम लिख दें जिससे मुझे पता रहे कि कौन स्टूडेंट है, आपका नाम मैं अनाउंस कर पाऊँ, प्लीज राइट योर नेम प्रॉपरली।
ना, ड्रीम गेट। अमायरा भारद्वाज, हेलो सर, हाय अमायरा। फाइन, सी वी आर कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी वी हैव थ्री रेजिस्टेंसेस। द नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन काफी लोगों ने ठीक आंसर दिया उसका। सो वी आर कमिंग टू द सेकेंड क्वेश्चन। देखिए जो पैटर्न था मैं उसी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं जिनका आंसर आया, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका नहीं आया, तो वो भी यहाँ प्रॉपर वे में उसको लर्न कर सकते हैं बेसिक्स को। सी आई एम हेयर टू टाइट योर बेसिक्स, ठीक है, टू टाइट योर बेसिक्स। एनीवन? ड्रीम गेट, फाइन। सी वी हैव थ्री रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम। यानी हमारे पास तीन रेजिस्टेंस हैं, R1, R2, R3, जो आप समझे, R1, R2, R3। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए एक बार और सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। 1, 2 एंड 3 ओम, इफ ऑल दी थ्री रेजिस्टेंसेज आर टू बी कनेक्टेड इन ए सर्किट। देखिए कई बार ये लोगों को क्वेश्चन समझ में नहीं आता, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। इनकनेक्टेड, सी आप ऐसे समझिए अपने आप खुद को कि आप लैब में हैं, है ना, नेटवर्क की लैब कभी करी होंगी इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो अगर आप किसी लैब में हैं, फाइन, तो आपने तीन रेजिस्टेंस आपके पास हैं, सपोज आपको 6 ओम की रिक्वायरमेंट हुई है ना, किसी पर्टिकुलर सर्किट के लिए, एप्लीकेशन के लिए आपको 6 ओम की रिक्वायरमेंट है, तो आप क्या करेंगे, तीनों को सीरीज में ऐड कर देंगे, 3, 2, 5 प्लस 1, 6। बिल्कुल 6 ओम जरूरत है। सी पर्टिकुलरली ऐसा हो सकता है कि आपको किसी और रेजिस्टेंस की जरूरत पड़े, तो आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंगली आइदर कनेक्ट देम इन सीरीज और पैरेलल। ऐसा कुछ एप्लीकेशन करने वाले हैं तो वही वो पूछना चाहता है कि हाउ मेनी डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंसेस आर पॉसिबल। मतलब हम इन तीन रेजिस्टेंसेस के साथ कितनी डिफरेंट वैल्यू अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान दें आंसर भी कैसे इनका, मींस ये काइंड ऑफ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया है, विद दी कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, है ना। तो मीन्स 5, 6, 7, 8, इसलिए आप नंबर भी देख लें कि जो आंसर्स हैं वो अल्फाबेट में है। इसीलिए अल्फाबेट में है क्योंकि वो आपसे कॉम्बिनेशन पूछना चाहता है कि कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो आप जल्दी से बताएं इसका आंसर, मैं वेट कर रहा हूँ, आप लोग बताएंगे देन हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। 6, ड्रीम गेट, अगेन ड्रीम गेट 6। आई डोंट थिंक 6 इज द करेक्ट आंसर। सिक्स आंसर नहीं है, 6 इज नॉट द करेक्ट आंसर, 6 इज नॉट द करेक्ट आंसर मैन। इसको एक बार और देखें आप, है ना, ये क्वेश्चन दिखते हैं लेकिन बेसिक्स बिल्कुल अगर आपके हैं तो ही आप इन क्वेश्चन को कर पाएंगे। लेकिन कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं सर ज्यादा बेसिक है, लेकिन दिखने में लगेंगे, क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस की सीरीज पैरेलल की बात है ना। करें आप इनको, सिक्स इज नॉट द आंसर। और कोई ट्राई करे मैम, ट्राई ट्राई ट्राई। और सिक्स आपका कैसे आया, क्या एक्सप्लेन कर पाएंगे आप चैट बॉक्स में कि आपका सिक्स कैसे आया, आपने क्या कॉम्बिनेशंस लिए। आइदर यू कैन सेलेक्ट और क्लिक योर फोटो फॉर द सेम, प्लीज एक्सप्लेन। गेट, ड्रीम गेट 5, अब तो आपने घटा दिया। नो नो नो, सी सी देखिए मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसके आंसर सभी किसी के नहीं आए, 5 और 6 आंसर नहीं है। देखिए तीन रेजिस्टेंसेस हैं, आपने कॉम्बिनेशन क्या क्या लिए होंगे, सी आपने जो कॉम्बिनेशन लिए हैं वो कॉम्बिनेशन क्या लिए हैं मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला सी आपने सबसे पहले तो एक कॉम्बिनेशन लिया होगा जो सबको समझ में आता है, नंबर 1, कि आपने तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया होगा। ये तो मैं खुद से ही बोल चुका था, 1 ओम, 2 ओम एंड 3 ओम, तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया।
इक्विवेलेंट कितना आया 600। क्वेश्चन में क्या बोला एक बार फिर से देखिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मस्ट बी डिफरेंट एवरी टाइम। फाइन, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो हर बार अलग होना चाहिए। दूसरा कॉम्बिनेशन जो सबको समझ में आता है, दैट कनेक्ट ऑल दीज रेजिस्टेंस इन द पैरेलल। ये किया होगा आपने, ठीक है, या आप ऐसे कर लीजिए लाइक दिस, ठीक है, यानी 1 ohm 2 ohm 3 ohm। ये तो बिल्कुल श्योर है कि जो इक्विवेलेंट आएगा फ्रॉम दिस मेथड वुड बी डिफरेंट। आप चाहें तो तीनों का पैरेलल निकाल सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पैरेलल और सीरीज निकालने बैठ जाएंगे, वो बिल्कुल मत करना, क्योंकि क्वेश्चन को समझो, वो सिर्फ कॉम्बिनेशन पूछ रहा है और आपको दिमाग में होना चाहिए कि हम इनका सीरीज पैरेलल 6 से तो ऑफकोर्स डिफरेंट आएगा। तो देखिए, एक तरीका तो ये हो ही गया, फर्स्ट मेथड है ना, सेकंड वे ये हुआ, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड वे की। थर्ड वे आप क्या कर सकते हैं, एक दो रेजिस्टेंस कोई भी उठा के पैरेलल में कर लीजिए, ठीक है, और एक उनके सीरीज में। फोर्थ वे, आप दो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करें और एक रेजिस्टेंस उनके ओवरऑल पैरेलल में कनेक्ट करें। फाइन, दिस वन इज द अनदर वे। सी, अगर ये वैल्यू 1 ohm है, ये 2 ohm है, ये 3 ohm है, और यहाँ ये 1 ohm है, ये इसको कर लेता हूँ मैं 1 ohm, ये कुछ भी आप कर सकते हैं जैसा चाहें, ठीक है, 1 ohm 2 ohm एंड 3 ohm, ठीक है। तो ये तो सिर्फ चार ही मेथड हुए, अब कुछ लोगों का तो आंसर 6, 7, 8 आ रहा था। मिस्टर गोपाला 8 पॉसिबिलिटीज है, बिल्कुल सही गोपाला, योर आंसर इज करेक्ट, 8 पॉसिबिलिटीज हैं। सी, देखिए दो पॉसिबिलिटीज यहाँ हो चुकी, अगर आप इसको बोले तो 3 और ये आप बोले तो 4, है ना, 4 पॉसिबिलिटीज। और देखिए सबसे पहला आंसर 5, 4 है ही नहीं, कोई इशू नहीं है, अगर 4 भी ऑप्शन होता तो कुछ लोग 4 भी टिक कराते। सी, अगर आप देखिए 1, 2 एंड 3 इनका पैरेलल निकालिए, आप आर इक्विवेलेंट निकालिए, इस केस में 2 और 3 का पैरेलल आप निकाल सकते हैं 6/5, 6/5 मींस 1.2, 1.2 में 1 ऐड करें एंड दिस विल कम आउट टू बी 2.2, ठीक है। उसके बाद यहां पे भी आप इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, बट अगर मैं, मुझे ऐसा कुछ करना हो कि मैं इस 1 ओम को उठा के यहां पे लेके आऊं 1 ओम और इस 2 ओम को उठा के यहां पे लेके जाऊं, तो क्या ये आर इक्विवेलेंट अलग नहीं होगा, डिफरेंट होगा कि नहीं होगा, बताएं मुझे, क्या ये आर इक्विवेलेंट डिफरेंट होगा? बिल्कुल डिफरेंट होगा, है ना, बिल्कुल डिफरेंट होगा। यानी एक के बाद 1 ohm किया तो आंसर अलग आया, उसके बाद रिप्लेस किया 2 ohm से तो आंसर अलग आया, फिर 3 ohm से रिप्लेस किया तो अलग आया। मीन्स यहाँ जो कॉम्बिनेशन है इस मेथड के, ये देखिए केस है, या आप मेथड बोल सकते हैं, इस केस में 3 पॉसिबिलिटीज हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी आप वैल्यूज को शफल कर सकते हैं एंड यू विल गेट 3 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज, मीन्स टोटल पॉसिबिलिटीज 3+3+1+1, सो देर आर 8 पॉसिबिलिटीज। यानी आपको 8 अलग अलग इक्विवेलेंट, मीन्स जो इक्विवेलेंट डिफरेंट होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो अच्छा क्वेश्चन था, टेक्निकल क्वेश्चन था। देखिए इसमें क्या क्या चेंज हो सकते हैं, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो इसमें आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं कोई भी दो वैल्यू सेम कर देता हूं, सपोज 1 ohm, 1 ohm एंड 2 ohm, आप बताएंगे जरा क्या पॉसिबिलिटीज होगी। इससे मैं ये समझूंगा कि आपको क्वेश्चन, क्योंकि देखिए यहां मैं इसलिए नहीं आया हूं कि आपको कुछ क्वेश्चन करा दूं और आप उनके आंसर मगअप कर सकें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं यहाँ आया हूँ कि आपके बेसिक्स टाइट कर सकूँ, है ना। क्वेश्चन को आप कैसे देखें, सिर्फ अपने बेसिक्स के अकॉर्डिंग देखें, कॉन्सेप्ट को देखें, ना कि क्वेश्चन को, क्योंकि क्वेश्चन तो वो कुछ भी फ्रेम कर सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट नहीं बदले जा सकते। तो अब मुझे आप इसका आंसर दें, मैंने ये क्वेश्चन बनाया अभी आपके लिए कि अगर रेजिस्टेंस है 1 ohm, 1 ohm एंड 2 ohm, तो बताओ मुझे जरा इक्विवेलेंट या पॉसिबल डिफरेंट वे कितने होंगे, बताएं जरा कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में बताएंगे मुझे आंसर। आई एम वेटिंग 1 ohm, 1 ohm एंड 2 ohm, आपको बता देता हूँ वैल्यू एक बार फिर, 1 ohm, 1 ohm एंड 2 ohm। सी, द वैल्यूज आर
1 ohm, 1 ohm and 2 ohm. Find the possible different combination. ठीक है, बताएं जरा कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनेंगे. हाँ जी गोपाला ड्रीम गेट प्लीज एक्सप्लेन. अच्छा ये आपने बोला है प्लीज एक्सप्लेन ड्रीम गेट. ठीक है जो भी है आपको ये समझ में आया क्या, ये मैंने एक्सप्लेन किया है. अगर नहीं आया तो मुझे यहीं पे बताएं, यही बेनिफिट है लाइव क्लास का जो मैं आपको बताने वाला हूँ. यहीं पे मैं रोकूंगा, इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि आपने लिखा हुआ है कमेंट सेक्शन में प्लीज एक्सप्लेन. क्या आपको समझ में आया, नहीं आया तो बता दीजिए, आया तो प्लीज राइट इन दी चैट बॉक्स क्या आपको क्लियर हुआ, क्योंकि मैंने बिल्कुल हर मेथड से क्लियर कर दिया है. अदरवाइज अगर आपको फिर भी क्लियर नहीं हुआ तो आप क्या कर सकते हैं कि डिफरेंट जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यूज है उनको फाइंड कर सकते हैं अपने कन्वीनियंट. ठीक है उनको फाइंड आउट कर सकते हैं. हाँ जी बताएं मुझे, नो वन इज रिप्लाइंग. अरे कोई तो रिप्लाई करो, बताओ ना अगर समझ में आया है या नहीं आया है और या क्या. और मैंने एक क्वेश्चन भी पूछा है आपसे कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं. ठीक है ना, कितनी पॉसिबिलिटीज हैं. No one is replying. Mr. Gopala, 4. See, बिल्कुल दो यहां सिर्फ होंगे. ठीक है एक बार फिर से सोचें, 4 या 6. Mr. Gopala, एक बार फिर से सोचें कि 4 या 6, क्योंकि देखो ये दो तो फिक्स है ना, ये दो तो फिक्स है. यहां क्या होगा, 1 ओम, 1 ओम एंड 2 ओम है ना, तो यहां कितने कितने होंगे एक बार चेंज कर सकते हैं, तो 2. यहां भी दो, दो दो चार और दो छह, मेरे अकॉर्डिंग 6 आनी चाहिए. एक बार फिर से सोचिए. और ये ड्रीम गेट एक्सप्लेन किया है मैंने, आप बताएं मुझे कि आपको ये क्लियर है कि नहीं है. एंड एम आई प्रॉपरली ऑडिबल, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स. No one is replying. Okay. जब भी आपको लगे सी. Next question. All the resistances are 1 ohm. ठीक है. All the resistances means ये जो resistances हैं, इनको लिख देता हूँ किसी और कलर में. सब ये जो resistances हैं कितने हैं, 1 ohm each. Fine. 1 ohm each. तो आपको ये बताना है the current I. ठीक है. The current I. And the current I is this one is I. इसने शो नहीं किया है, मैं आपको बता देता हूँ. दिस वन इज करंट आई. और ये गेट का क्वेश्चन है, ESC गेट का क्वेश्चन है, उसके बाद SSC JEE में ही पूछा जा चुका है. ठीक है तो आप अगर SSC JEE की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कहीं से वो नए उठा के देगा. ऑफ कोर्स द क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड प्री द क्वेश्चन दैट हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड इन द गेट, है ना, कोई नए नहीं बनाएगा. तो आप मुझे इसका आंसर करें, जल्दी जल्दी बताएं, कमेंट सेक्शन में बताएं आर यू ट्राइंग और नॉट. 6 कंफर्म सर गोपाला, फाइन, वैल्यू चेंज नहीं की थी, कोई नहीं, इट्स गुड, एटलीस्ट यू आर ट्राइंग, बहुत सही, कम से कम आप लोग ट्राई कर रहे हैं. इसका आंसर बताएं मुझे क्वेश्चन का. ठीक है इसका आंसर बताएंगे. सबसे पहले ना आपको सीरीज पैरेलल में देखो, ये एक आइडिया होना चाहिए. सीरीज में तो कुछ नहीं, अगर देखिए अगर मैं दो रेजिस्टेंस है ना, दो रेजिस्टेंस है, 2 ohm 2 ohm, यानी अगर कभी भी सिमिलर वैल्यूज के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करूं तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा, आप इक्विवेलेंट के लिए क्या करते हैं, R1 R2 upon R1 plus R2 ना, 2 plus 2 है ना, तो ये कितना आएगा, 4/2 मीन्स 2 ohm है ना, सॉरी 1 ohm है ना. ठीक है सिमिलरली अगर आप क्या करें, 3 पैरेलल में सेम वैल्यूज के कनेक्ट करें, यानी जितने भी वैल्यूज के आप कनेक्ट करेंगे उतने टाइम्स आप डिवाइड कर सकते हैं उसको, यानी 2 2 ohms के आपने कितने रेजिस्टेंस कनेक्ट किए, 2, तो आप उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, इक्विवेलेंट डायरेक्ट कितना आएगा, 1 ohm.
यानी अगर मैं 1 ohm 1 ohm के दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करूं तो कितना आएगा इक्विवेलेंट, 1/2 है ना, ऐसे। तो बताएं मुझे इसका आंसर। गोपाल मिस्टर डी, 8/15। ओके फाइन, आपका आंसर बिल्कुल सही है, 8/15 इज दी करेक्ट आंसर। 8/15, देखिए 8/15 मैं बता देता हूं इसको। सी, सबसे पहले देखिए मैं इसके थ्रू ही आपको समझाऊंगा, पहले इसके थ्रू मैं आपको समझा देता हूं। सी देखिए, सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट निकाल लीजिए आप। ये ध्यान रखिए, पहले तो नेटवर्क को पढ़ने के लिए जो जरूरत पड़ती है वो सीरीज पैरेलल आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क कुछ लोग पढ़ लेते हैं लेकिन इनको सीरीज पैरेलल क्लियर नहीं होता, और गेट हो या ISC हो आपको वहीं पे सीरीज पैरेलल में फंसा देगा। फाइन, तो आप सबसे पहले इस बड़े से सर्किट का इक्विवेलेंट अगर निकाल लेंगे तो आपका क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो आप मुझे बताएं जरा, सी दिस वन इज 1 ohm, दिस वन इज 1 ohm एंड दिस वन इज ऑल्सो 1 ohm। तो देखिए सबसे पहले जो आपको दिमाग में आना चाहिए, देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, आप ध्यान दें, मिड से अगर मैं इसको कट करूं, यहां से आपको लाइन दिख रही होगी, ये यहां से जो लाइन है इससे मैं कट करूं तो एक सिमेट्री नजर आती है ना, सिमेट्री है कि नहीं है? बिल्कुल सिमेट्री है सर। ऊपर हाफ जो पोर्शन है, ये वाला हाफ, अपर हाफ इज सेम एज द लोअर हाफ, है कि नहीं? अरे बोलो सर, कमेंट में डिले हो रहा है। ओके, वो थोड़ा सा डिले चलता है, कोई नहीं, विल शॉर्ट दिस इश्यू आउट लेटर। ओके कोई नहीं, ठीक है। आप पहले देखिए, अपर हाफ में, इन दी अपर हाफ एंड लोअर हाफ आर सेम, मीन्स देर इज सम काइंड ऑफ सिमेट्री। फाइन, अगर सिमेट्री यहां पर है तो एक चीज पे आप ध्यान दें कि अगर मैं ऊपर वाले पोर्शन को ही सिर्फ सॉल्व कर लेता हूं तो जो लोअर हाफ है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा। तो आप इतना टेंशन ना लेंगे, इसमें लोअर हाफ को भी सॉल्व करें, अपर को भी करें, ठीक है सी। तो अपर को करते हैं हम लोग 1 और 1, ये 1 1 पैरेलल में, तो इनका कितना आएगा इक्विवेलेंट, अभी आपको बताया 1/2, और ये 1 है यानी यहाँ 1 + 1/2 कितना आया है, 3/2 है ना, 3/2। और ये भी कितना आएगा फिर, 3/2, क्योंकि ये इसकी सिमेट्री है, ये 1 ये 1, यानी ये ओवरऑल 1/2 1/2 3/2। अब आप मुझे ये बताएं कि 3/2 3/2 पैरेलल में कितना आएगा, निकालना नहीं है, क्या बताया था, सिमिलर रेजिस्टेंस कभी भी कनेक्ट हो तो उनको हाफ कर दो, 3/2 का हाफ 3/4, मीन्स यहां तक आया 3/4। फाइन, 3/4 बिल्कुल, 3/2 3/2 3/4, ठीक है। तो देखिए मैं यहां तक सर्किट को थोड़ा सा बना देता हूँ। दिस वन इज 1 ohm, ये जो बैटरी है 1 volt की, इसको ऐसे ही रहने दें एज इट इज, यहां तक सॉल्व कर चुके थे हम, ये 1 ohm है, और ये जो रेजिस्टेंस आया ये कितना आया भैया, 3/4 ohm, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, जो नीचे सिमेट्री है लोअर हाफ में उसको आपको सोल्व नहीं करना है। फाइन, उसको सोल्व नहीं कर लेना कभी, उसको भी सोल्व करने बैठ जाओ, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली जो ऊपर आएगा वही आने वाला है, ये 1 ohm, ये 1 ohm, ये करंट मुझे निकालनी है। अब तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन बन चुका है, कोई और आंसर दे रहा है? यस सर गोपाला। फाइन सी, 1 + 3/4 तो कितना हुआ, ये वाला पोर्शन कितना हुआ भैया बताओ, 7/4 है ना, 1 + 3/4 7/4, ये भी 7/4। अभी देखिए दोनों 7/4 7/4 पैरेलल में है, मीन्स कितना बनेगा ये, 7/8, यानी 1, देखिए 1 ohm तो एज इट इज रहेगा, और 7/8, ये आपका सर्किट बन चुका है, ये करंट आपको निकालनी है, ये 1 volt है। तो I इक्वल्स टू क्या होता है, V/R, V1 है, R कितना है, 1 + 7/8। फाइन कितना हुआ ये, 15/8 है ना, 15/8, मीन्स आंसर विल बी 8/15 एम्पियर। देखिए कई लोग ना गेट में बहुत जल्दी में रहेंगे तो वो क्या करते हैं कि जैसे आपका यहाँ पे ना इक्विवेलेंट आपका आया 15/8, तो उसको आंसर को बहुत जल्दी में देखिए, हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं है, बट मैं अगर चाहूँ तो एक कंफ्यूजन बनाने के लिए आपको एक ऑप्शन 15/8 भी दे सकता हूँ, और आई गारंटी कम से कम 20% लोग ये मार्क करेंगे, क्योंकि ऐसी मिस्टेक एग्जाम में
बहुत ही कॉमन है, ऐसी मिस्टेक होती है. फाइन सी. हाँ सर अच्छे से समझ में आ गया. ओके फाइन गोपाला, ठीक है बहुत सही. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. अब आप मुझे बताइए, ये क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, तीन क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं. वी आर कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर फोर. क्वेश्चन नंबर फोर, फाइंड द इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी. दिस पॉइंट इज ए, ये लिखा हुआ है, मैं फिर भी मार्क कर देता हूं. दिस पॉइंट इज बी. फाइंड द इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी. देखिए मैं पहले से ही आपको बता दूं, कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ वेट स्टोन ब्रिज वाला अपना कॉन्सेप्ट लगाने लग जाएंगे. तो मैंने क्योंकि वेट स्टोन ब्रिज का अभी नाम भी नहीं लिया है, ठीक है, मैं आपको पहले ही बोल दूंगा, क्योंकि अभी देखिए जो क्वेश्चन चल रहे हैं वो किसके हैं, सीरीज पैरेलल. फाइन, किसके क्वेश्चन है, सीरीज पैरेलल. मे बी आज और कल वाली क्लास में भी हम लोग यही सीरीज पैरेलल के क्वेश्चन करेंगे. मैंने बताया मैं काफी बेसिक से पढ़ाऊंगा आपको सीरीज पैरेलल, और उसके बाद फिर वोल्टेज सोर्स मीन्स एनर्जी सोर्सेस की बात करूंगा, फिर इंडक्टेंस, फिर कैपेसिटेंस. लाइक दिस विल मूव ऑन फर्दर. फाइन, एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन माई लाइव क्लास एट 3 PM, है ना, एट 3 PM टूडे. डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन दिस क्लास 3 PM, और ये जो क्लास होगी ये मेजरमेंट की. तो ऐसा नहीं है कि आप लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं बेसिक्स कवर करने के लिए, है ना, जहाँ तक भी बेसिक्स हैं वहाँ तक के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं. एंड प्लीज गाइड, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज हिट दी बेल आइकॉन. ओके प्लीज हिट दी बेल आइकॉन. फाइन, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे. 2 ओम गोपाला, 2 2, बिल्कुल परफेक्ट, परफेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर आया है गोपाला. फाइन सी, इससे पता चलता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बिल्कुल सही है. आप चाहें तो अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन परचेज कर लें, क्योंकि वहां पर आपको अपनी प्रिपरेशन को इवेल्युएट करने का, इवेल्युएशन का जो वे है वो मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी, और भी जो आपको बेस्ट पॉसिबल हो सकता है वो वहां पे प्रोवाइड हो ही जाएगा, ठीक है. एज यू ऑल ऑफ यू नो, दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म अमंग ऑल द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन इंडिया. ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको पता है सबसे ज्यादा कंपटीशन है, मींस आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो आपको यहीं पे मिलने वाले हैं. तो इसलिए आपको एट द एंड ऑफ द डे जो टेस्ट सीरीज है वो आपको अनअकैडमी की ही लेनी पड़ेगी. तो आप जितना जल्दी करेंगे तो वो सही होगा आपके लिए. सी देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चंस व्हीट स्टोन ब्रिज का नहीं है. सी सबसे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूं, इन केस ऑफ सीरीज और पैरेलल, मैं तो बात करूंगा सिर्फ पैरेलल की ही, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट, ऑलवेज ट्राई टू फाइंड आउट द कॉमन पोटेंशियल पॉइंट. ये बात दिमाग में डाल लीजिए, कॉमन पोटेंशियल पॉइंट, कॉमन पोटेंशियल, है ना, कॉमन पोटेंशियल पॉइंट आपको हमेशा फाइंड करना है, उससे आपकी चीजें आसान हो जाती हैं. फाइन सी हियर, अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ यहाँ इस इन दो पॉइंटों के बीच कोई रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है, इन दो पॉइंट्स के बीच कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है, मींस ये शॉर्ट है. तो अगर आप, मैं इस पॉइंट को मूव करा के यहाँ पे ले जाऊं तो कोई इशू तो नहीं है. सी हियर लाइक दिस, दिस वन इज 2 ओम एंड दिस वन इज द 4 ओम, और आप इस पॉइंट को उठा के कहाँ ले आए, यहाँ पे लेके आ जाएंगे, कुछ इश्यू तो नहीं हो, कुछ भी इश्यू नहीं है. और इसके बाद इसको उठा के यहाँ पर, अब आप ध्यान दें इसको और थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए, 4, और ये भी 4 है, मीन्स 4 4 4 एंड 4, दीज आर इन पैरेलल. मैंने अभी क्या बताया, पैरेलल इक्विवेलेंट मीन्स हाफ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 4 4 का हाफ 2, एंड दिस 2, ये कितना हुआ, 2 एंड 2 4. लाइक दिस, ये टोटल 4 है, इसके बाद ये भी टोटल कितना है, 4 और. फाइन, 4 4 अगेन, ए और बी के बीच जो इक्विवेलेंट होगा, आर इक्विवेलेंट कितना होगा, 4 4 अगेन हाफ हो जाएगा, मीन्स 2 ओम इज दी. बिल्कुल सही आंसर है, जिन्होंने भी कमेंट बॉक्स में रिप्लाई किया है, ऑफ कोर्स द आंसर इज करेक्ट. फाइन,
Okay, guys, thank you for the day. See, and हम लोग यहाँ से नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे, कल वाली क्लास में कंटिन्यू करेंगे. आप टाइम नोट कर लें एंड सी, हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉर हिट द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन. अगर आपको मेरी क्लास का नोटिफिकेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, जो रेड बटन है इसको हिट करें. एंड डू नॉट फॉरगेट टू यूज माई प्रोमो कोड दैट इज नितिन वाईटी वाइल परचेजिंग दी प्लस सब्सक्रिप्शन, है ना. इससे आपको क्या बताया था, 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलने वाला है, ठीक है. एंड डू नॉट ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लेटर आई विल प्रोवाइड यू दी टेलीग्राम ग्रुप फॉर लेटेस्ट अपडेट. ओके फाइन, ठीक है गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग.